म्हणून सर्वप्रथम सर्व पत्रकार बंधू आणि बहिणींचं मी हिंदू जनजागृती समिती व सनातन संस्थेच्या वतीनं स्वागत करतो. आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सचा विषय तर आपल्या सर्वांना माहीत आहे, सनातन संस्थेवरती जे बंदीचं वातावरण निर्माण केलं जात आहे, तसेच हिंदुत्वनिष्ठ संघटना ज्या आहेत त्या संघटनांना सुद्धा एक प्रकारचं त्यांच्यावरती कारवाई व्हावी त्या अनुषंगाने सुद्धा वातावरण निर्माण केलं जात आहे. त्याच्या विरोधात किंवा त्याच्याबद्दलच सनातन संस्थेची भूमिका काय आहे याविषयी आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये संबोधित केलं जाणार आहे. आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये जे मान्यवर वक्ते आहेत त्यांची मी ओळख करून देतो. माझ्या बाजूला बसलेले श्री चेतन राजवाणी हे सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ता आहेत. तसेच श्री सुनील धुमल हे हिंदू जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र व छत्तीसगड राज्याचे समन्वयक आहेत, संघटक आहेत. त्यांनी श्री चेतन राजमोस यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपल्याला संबोधित करावं. चेतन जी, अगर हिंदी में बोल सके क्योंकि लाइन जा रहा है सारे चैनल से, अगर हिंदी में शुरुआत कर सके. मराठी या हिंदी, सबको हिंदी चाहिए? हिंदी चाहिए, हिंदी चाहिए, ठीक है. हाल ही में जो घटना हुई है नाला तोपारा से लेके या ये औरंगाबाद में सचिन अंडूर नाम के हिंदुत्वनिष्ठों को जो अरेस्ट हुए, लगभग 9 अरेस्ट अभी तक हुई है, और महाराष्ट्र के जो आधुनिकतावादी संगठन है, व्यक्ति है, कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियां हैं और कुछ स्वयं को बुद्धिजीवी कहने वाले तर्कशास्त्री है, ये हेतु पूर्वक सनातन संस्था को इस प्रकरण में टारगेट कर रहे हैं. और इस दृष्टिकोण से हमने समय समय पर हमारी भूमिका को प्रेस नोट के जरिए स्पष्ट किया था. लेकिन जो सनातन संस्था की एक प्रकार से मानहानि की जा रही है वो न रुकने के कारण आज हम आपके सामने प्रेस वार्ता के द्वारा हमारी भूमिका स्पष्ट करना चाहते हैं. मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो पकड़े गए 9 लोग हैं, वैभव राउत से लेके ये रेगे तक, ये सारे 9 लोग सनातन संस्था के साधक नहीं हैं. और इसमें से जो 5 लोग हैं, कलस्कर, शरद कलस्कर, सचिन अंडुरे, सुरले दो भाई हैं और रेगे, ये 5 नाम तो हमने मीडिया में आने के बाद ही पहली दफा सुने हैं. लेकिन इस प्रकार से बताया जा रहा है कि सारे 9 से 9 जो है सनातन संस्था के साधक है. सनातन संस्था क्या है? सनातन संस्था मूलतः अध्यात्म का कार्य करने वाली एक संस्था है. और सनातन संस्था का जो साधक होता है उसकी क्या पात्रता होती है? देखिए, सनातन संस्था जो कार्य चलाते हैं साधना के रूप में, विश्वस्त हो या कोई मैं प्रवक्ता हूं या और कोई पदाधिकारी है, तो वे सनातन संस्था के साधक हैं. जो सनातन आश्रम में रहते हैं पूर्णकालीन उन्हें सनातन के साधक कहा जाता है. जो घर में रह के समाज में जाके 24 घंटे अध्यात्म का प्रसार करते हैं सनातन संस्था के मार्गदर्शन में, उन्हें हम साधक कहते हैं. बहुत सारे साधक ऐसे भी हैं कि जो 1-2 घंटा ही अध्यात्म का कार्य करते हैं लेकिन सनातन संस्था ने बताई हुई साधना फॉलो करते हैं, वे भी हमारे साधक हैं. तो इनमें से ये जो 9 पकड़े गए हैं ये कोई नहीं है. सनातन अध्यात्म प्रसार के साथ साथ हिंदुत्व का कार्य करती है और इसीलिए विभिन्न हिंदुत्व के उपकरणों में उसका सहभाग होता है. जैसे हिंदू जनजागृति समिति के द्वारा कोई आंदोलन हो तो उसमें सनातन संस्था अवश्य सहभागी होती है. गोवा में हिंदू अधिवेशन हिंदू जनजागृति समिति के द्वारा आयोजित किया जाता है, वहां संस्था सहभागी होती है. तो सनातन प्रभात नाम का हम पत्रिका निकालते हैं, उसके 2 पाठक वर्ग हैं, सनातन संस्था का हितचिंतक वर्ग है या
सनातन संस्था जिस आंदोलन में जाती है उस आंदोलन में सहभागी होने वाले संगठन है, या जो हिंदू अधिवेशन में आने वाले हिंदुत्वनिष्ठ संगठन है, इनसे और सनातन का सीधा कोई रिश्ता नहीं है। केवल हिंदुत्व के लिए वो लोग एकत्रित आते हैं और सनातन के कार्य के वे हित चिंतक है, इतना ही उनके लिए उनका रिश्ता होता है। उनका अपना स्वयं का विचारधारा होता है, वो अपने पद्धति से साधना करते हैं, वो कोई सनातन संस्था की साधना नहीं करते हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण से इन्हें सनातन संस्था का साधक नहीं कहा जा सकता। हिंदू विधिज्ञ परिषद नाम की एक संगठना है वकीलों की, आप संजीव कुनालेकर को जानते हैं, वे भी ऐसे ही हित चिंतकों की संगठना है, हिंदुत्वनिष्ठ वकीलों की संगठना है। तो इसमें यह भ्रांति फैलाई जाती है कि जो हिंदू अधिवेशन में आते हैं या जो हिंदुत्व के उपक्रम में सनातन जिसमें सहभागी है उनमें जो संगठन आते हैं वो सारे सनातन संस्था के साधक हैं। वास्तव में वे अपने अपने संगठन के प्रतिनिधि हैं, उनकी अपनी विचारधाराएं हैं और अपना अपना एजेंडा है। तो ये सनातन संस्था के साधक नहीं है, ये मैं फिर से एक बार स्पष्ट करना चाहूंगा। और अब ये हो रहा है कि ये संस्था के किसी अधिवेशन में आए थे या संस्था के किसी उपक्रम में इनके फोटो है या संस्था के आश्रम में आके गए, इसलिए जो है सनातन संस्था पर बैन आना चाहिए या सनातन संस्था के परस्पर गुरु डॉक्टर आठोली जी को अरेस्ट करना चाहिए, इस प्रकार से एक मांग उठाई जा रही है। मुझे आश्चर्य लगता है यदि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करती है और कांग्रेस का कोई मणिपुर का MLA यदि उसके घर में बड़े हथियार बरामद किए जाते हैं तो ऐसे तो नहीं कहा जाएगा ना कि जो राहुल गांधी है उन्हें अरेस्ट करो, कांग्रेस पार्टी पर बैन करो। तो ये सारासार गलत है। और इसमें सबसे पहले तो समझना चाहिए कि जो इस विषय में भ्रांतियां फैला रहे हैं, जो मिथ्यारोप चल रहे हैं, उनके पीछे जो आधुनिकतावादी विशेष रूप में डॉक्टर दाभोलकर परिवार, पानसरे परिवार, उनके विचारधारा के लोग, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, ये जो सारे हैं या कांग्रेसी विचारधारा के लोग हिंदुत्वनिष्ठों को लक्ष्य बनाकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करना चाहते हैं, वो हिंदू आतंकवाद के नाम पर हिंदुत्वनिष्ठ पार्टियों को बदनाम करना चाहते हैं। और 19 इलेक्शन चल रहा है तो सबकी आकांक्षाएं तो बढ़ी हुई है, वैसे भी तो सबको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस हो या नरेंद्र मोदी जी हो सतत निकल जाए यहाँ से और अपनी सत्ता आ जाए, तो आकांक्षा है वो है और हम टारगेट हो रहे हैं। अब ये जो है कुछ ATS ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ATS ने 5-6 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनमें से किसी की भी पूछताछ पूर्ण नहीं हुई है, सारा जो जांच है वो प्राथमिक अवस्था में है और हमने किसी भी संगठन से वो जुड़े हैं विशिष्ट रूप में ये हम अभी तक कह नहीं सकते क्योंकि कोई जांच यहाँ पूर्ण नहीं हुई है। तो ATS ये कह रहा है कि जांच पूर्ण नहीं हुई है, हम किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाहते। महाराष्ट्र राज्य के गृह राज्य मंत्री दीपक केसरकर कह रहे हैं कि हम किसी संगठन का अभी तक नाम नहीं आया है सामने। तो मुझे बताओ इनके पीछे जो आज तक न्यूज फ्लैश हो रही है सनातन संस्था के 9 साधकों को अरेस्ट या वैभव राउत को अरेस्ट, ये हो सुधनवा गोंदले को अरेस्ट, ये क्या है, इनके पीछे के सोर्स क्या है? प्रतिदिन नई नई स्टोरी चल रही है, ऑफिशियली किसी भी भारत में ऑफिशियल सूत्र माने ATS हो सकता है, माने जांच एजेंसियां हो सकती है या होम मिनिस्ट्री हो सकती है, लेकिन इस प्रकार से जो चर्चाएं चल रही है कि अधिकृत सूत्रों के द्वारा हमें जो जानकारी उपलब्ध हुई है उसके द्वारा हम ये कह रहे हैं और इस प्रकार की जानकारी हमारे पास है वगैरह वगैरह, तो मुझे दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि इस प्रकार से जो झूठी जानकारी आपको मिल रही है उसके विषय में हमने न्यायालयीन प्रक्रिया करने का निर्णय लिया है और ऐसी झूठी कहानियां रुक जाए इसलिए हमें न्यायालयीन मार्ग को अपनाना पड़ रहा है। देखिए हम हिंदुत्व का कार्य करते हैं, अध्यात्म का कार्य करते हैं, विगत 27 वर्षों से हम इस क्षेत्र में हैं
हमने जो कार्य किया है उससे समाज में बहुत लोगों का जीवन अच्छा हुआ है, व्यसनमुक्त हुए हैं लोग। हमारे कार्य के कारण आज तक कहीं भी जातीय दंगे फैले नहीं हैं, कहीं हिंसा नहीं हुई है, या हमने किसी को असंवैधानिक कृत्य करके किसी कार्य को या देश की सुरक्षा को बाधित नहीं किया है। और हमने आज तक जिन लोगों के भ्रष्टाचार निकाले, जिन संस्थाओं के भ्रष्टाचार निकाले, जिन मंदिरों के भ्रष्टाचार निकाले, वो भी सूचना के अधिकार के तहत जनहित याचिकाओं के माध्यम से हमने ये कार्य किया है। तो हमारा आचरण भी उसी प्रकार का था। इसके बावजूद इस प्रकार की जो झूठी बातें चल रही है, सनातन संस्था को टारगेट किया जा रहा है, तो मेरी सबसे विनती है कि आप इस प्रकार की झूठी कहानियां आपके द्वारा, आप में से कुछ लोगों के द्वारा हो रही हो तो वो उसको रोके, और ये सनातन संस्था पर एक प्रकार का अन्याय है ये समझ लीजिए, क्योंकि हम कार्य करते हैं तो हमारे मार्गदर्शन में हजारों साधक साधना करते हैं, लाखों लोग हमारे हितेशी है जो संस्था के कार्य पर जो है उनका जो अपना समर्पण है, उन लोगों की श्रद्धा को आप खराब मत कीजिए। आज तक जिन जिन प्रकरणों में सनातन संस्था को टारगेट किया गया है, जो लगता है गडकरी रंगायतन 2008 में हुआ था, 2009 में बड़गांव विस्फोट हुआ था, उसके बाद 2013 में डॉक्टर दाभोलकर की हत्या हो, फिर 2015 में कॉमरेड पांचरे की हत्या हो, 16 में कलबुर्गी की हत्या हो, या 17 में गौरी लंकेश की हत्या हो, और अभी ये नाला तोपरा प्रकरण। इन सारे प्रकरणों में देखा जाए तो सनातन संस्था का किसी भी आज तक आरोप पत्र में नाम भी नहीं है, या सनातन संस्था को आरोपी के रूप में वहां कोर्ट में बुलाया भी नहीं गया है। फिर भी सनातन संस्था को बैन किया जाए, इस प्रकार की मांग चल रही है। तो ये बैन इतनी तथ्यहीन है, ये आपको, ये जो मांग है इतनी तथ्यहीन है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अरे भाई, जिस संगठन का नाम किसी आरोप पत्र में नहीं है, जिस संगठन पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं है, जिस संगठन के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, उस विषय में आप सीधे सीधे बैन की मांग कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि जो ये मांग कर रहे हैं उनकी ये जो मांग है वो पूर्वग्रह दूषित है और उतनी ही वो तथ्यहीन है। अब ये कुछ मेरे पास जो जानकारी आई है, जैसे इन 9 अपराधियों को पकड़ा गया है और इनके विषय में पुलिस जो है कोर्ट में जाके पुलिस कोठड़ी मांगती है कि इनकी जांच करनी है, लेकिन न्यूज वहां फ्लैश होती है कि इनको जो है मराठा आंदोलन में बम विस्फोट करना था, और जानकारी दे रहा है अधिकृत सूत्र। ये जो महाराष्ट्र के एक आमदार है बाहुबली, जो अपने बॉक्स स्पॉट पर लिखते हैं कि इनको जो है मराठा आंदोलन में इनको बहुत बड़ा स्पोर्ट करने का इरादा था और हमें ये जानकारी मिली है, अरे भाई कौन से सोर्स ने आपको बताई? महाराष्ट्र के एक आमदार है समाजवादी पार्टी के, एकमात्र ही है, वे कहते हैं इन्हें बकरी ईद में विस्फोट करना था। महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेते है वो जो है कांग्रेसी पार्टी से है, वो कहते हैं इनके पास 500 लोगों की सेना है। ये क्या चल रहा है? पुलिस वहां पुलिस कस्टडी में जा उनकी तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, और इनके पास कौन से सोर्सेस से ये बात न्यूज आ रही है? ये सारे जो न्यूज है ये सोशल मीडिया के द्वारा प्रचारित किए जा रहे हैं और सनातन संस्था की मानहानि की जा रही है। इन जाति विरोधी या जातीय वाचक जो संदेश यहां भेजे जा रहे हैं उसकी ही जांच होने की आज आवश्यकता है, और इस पत्रकार वार्ता के द्वारा मैं महाराष्ट्र शासन को यह आह्वान करता हूं कि जिन जिन लोगों ने इस प्रकार से जातीय वाचक भ्रांतियां फैलाई है, दुष्प्रचार किया है, विशेष रूप में मराठा आंदोलन या बकरी ईद का त्योहार, इस विषय में जिन दो आमदारों ने इस विषय में
या जिन लोगों ने इस विषय में सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार किया है उनकी जांच की जाए। और भी कुछ सोर्सेस है इस प्रकार से। महाराष्ट्र में सांगली नाम के तासगांव जिला है, सांगली में तासगांव नाम का एक तालुका है, वहां दो साधकों को पुलिस ने पूछताछ की। हाल ही में ऐसा हो गया है कि पुलिस हर जिले में जाती है और पूछती है कि इस जिले में सनातन संस्था के साधक कौन है, ये जो जिम्मेदारी देखते हैं, हमें उनकी जांच करनी है। कुछ जिलों में इस प्रकार से जानकारी मिली है कि आप सबसे कट्टरवादी हिंदुत्ववादी कौन है, उसकी जांच जाके करनी है। माने टारगेट करके हिंदुत्वनिष्ठों को जो है उनकी जांच चल रही है। तासगांव में दो साधकों को आधे घंटे के लिए पूछताछ करने के लिए बुलाया, आप कहां रहते हो, क्या करते हो। तो एक अनीस का कार्यकर्ता राहुल थोरात नाम का सभी चैनलों को फोन करके बता रहा था कि दो लोगों को जो है अरेस्ट किया है और ये जानकारी दे रहा था और सारे न्यूज मीडिया पे और सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। तो इनके सोर्स कौन है, ये महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ता। और एक यहां न्यूज आई थी कि संभाजीनगर में जो है कट्टरवादी हिंदुत्वनिष्ठों की जो है सूची बनाओ और उनकी जांच करो, ऐसे हमें आदेश है। देखिए इस प्रकार से जांच को प्रभावित किया जा रहा है और मुझे ये लगता है कि इस प्रकार का जो एक अपप्रचार यहां चल रहा है वो केवल और केवल सनातन विरोधकियों का षड्यंत्र है और इसे हमें रोकने की आज आवश्यकता है। मैं सबसे, आप सब पत्रकारिता से जुड़े हुए हो और मैं आपसे आह्वान करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये जो आधुनिकतावादी है या कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं कि जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं या उस दृष्टिकोण से हिंदुत्वनिष्ठ पार्टियों को बदनाम करना चाहते हैं, उसके लिए वो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, उन्हें हिंदू आतंकवाद को निर्माण करना है और टारगेट सत्ताधारियों को करना है और हम जैसे लोग जो सॉफ्ट टारगेट यहाँ हो रहे हैं। फॉर द डॉग मैड एंड शूट हिम, इस प्रकार की इनकी योजना है। और इसके दो उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि इसमें कुछ मीडिया के लोग ही इसके दुष्प्रचार को जो है बलि चढ़ जाते हैं और झूठी न्यूज दी जाती है। दो उदाहरण इसलिए बताना चाहूंगा, एक न्यूज आया था, एक न्यूज मीडिया का हमारे आश्रम में आया था गोवा के, और उसने बाहर से आश्रम का शूटिंग किया और वहां एक पंचमुखी यज्ञ करने वाले संत ठहरे हुए है, आश्रम में आए हुए है। तो वो दोपहर में भोजन के बाद शतपौली करते हैं, उस समय चल रहे थे, तो आश्रम के सज्जा से वो चल रहे थे। तो उसी समय इसने न्यूज दिखाया कि सनातन संस्था के संस्थापक डॉक्टर आठवली जी को हमने देखा, हमारे कैमरा ने कैच किया और वे वहां भोजन के बाद दिख रहे थे। अरे भाई, डॉक्टर आठवले कैसे दिखते हैं पूरे विश्व को पता है, उनके फोटोग्राफ विश्व में दिखे जाते हैं, वेबसाइट पे है, उनका रंग रूप उनकी हाइट कैसी है और जो दिखाई देने वाले थे उनकी हाइट कैसी है, उनका रंग कैसा है, रूप कैसा है, ये सबको पता है। तो इससे क्या हो जाता है, सनातन संस्था की तो मानहानि होती है लेकिन आपकी भी क्रेडिटिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। परसों एक न्यूज चैनल ने दिखाया कि अभयवर्धक अंडरग्राउंड है, उसी समय जो है अभयवर्धक टाइम्स कॉम पे दिख रहे थे और दूसरा चैनल दिखा रहा था कि अभयवर्धक अंडरग्राउंड है, ये क्या चल रहा है। तो ये झूठी बात, झूठी जो न्यूज आ रही है इसके द्वारा जो है आप क्रेडिबिलिटी आपकी खत्म ना कीजिए, क्योंकि इससे हमारी भी हानि होगी और आपकी भी हानि होगी। इस दृष्टिकोण से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम हिंदुत्व का कार्य करते आए हैं और अध्यात्म का हमारा मूल कार्य है, ये कार्य हम हमारे अपनी ओर से करते ही रहेंगे। और जो आधुनिकतावादी है, जो
आधुनिकतावादी संगठन है, जो कांग्रेस आदि पार्टियां है, ये सारे राजनीतिक पार्टियां हम पर अघोषित बंदी लाने का जो प्रयास कर रही है उनको हम कदापि सफल नहीं होने देंगे। इस दृष्टिकोण से आज हमने यहाँ प्रेस वार्ता की है। कुछ अलग भी सूत्र है, बहुत सारे प्रश्न आपके भी मन में है, बहुत सारे आरोप हमारे भी ऊपर हुए हैं, उसके भी उत्तर हमें देने हैं। इन सब के लिए हमने 29 जनवरी को और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन यही किया हुआ है, जिसमें हम विशेष रूप में विभिन्न प्रकार के जो हमारे संदर्भ में भूमिका पूर्ण करनी है, सुनील जी को भी बोलना है, उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर की ओर देखेंगे। कुछ प्रश्नों के उत्तर हम उस दिन देखेंगे और कुछ प्रश्न आज लेंगे, जो विषय उस संदर्भ में है उसके प्रश्न हम उसी दिन देखेंगे, आज जो हमने भूमिका रखी है उसके संदर्भ के प्रश्न आज देखेंगे। अगले सूत्र बताने हेतु मैं सुनील धनवत जी को आह्वान करता हूँ। सभी को नमस्कार। यहाँ पे सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस जी ने जो सनातन संस्था पे आरोप हुए उसके बारे में उनकी भूमिका यहाँ पे रखी, और पिछले कई दिनों से यह भी चल रहा है कि हिंदू जनजागृति समिति का नाम भी जानबूझ के इसके साथ जोड़ा जा रहा है, तो यह भी आरोप जो है सब मिथ्या आरोप है। इस दृष्टि से बताना चाहता हूँ कि हिंदू जनजागृति समिति पिछले 2002 से एक अच्छी तरह से समाज सहाय राष्ट्र रक्षण धर्म जागृति हिंदू संगठन इसके लिए कार्य कर रही है, और उस विचारधारा से जुड़े हुए पूरे भारत भर से अलग अलग विचारधारा के विविध प्रयोग कार्य पद्धति से कार्य करने वाले संगठन जुड़ रहे हैं, और इतना अच्छा संगठन हो रहा है, और ये संगठन जो हो रहा है वही संगठन हिंदू विरोधी विचारधारा वाले लोगों को, पुरोगामी लोगों को, आधुनिकतावादी विचार वाले लोगों को सहा नहीं जा रहा है, तो इसका एक माध्यम क्या बना है? तो अभी सनातन का नाम आ रहा है, हिंदू जनजागृति समिति का भी नाम जोड़ दो, उस पर भी ध्यान लाने की बात करो, ये सरासर गलत है। वो जो विचारधारा वाले लोग जो है, परसों मैं एक टीवी चैनल पे जब गया था तो बीजे कोलसे पाटिल उस चैनल पे उन्होंने खुलेआम मुझे गाली दी उस पे कि हराम खोर करते। मुझे ये बताना है कि चैनल के माध्यम से आप इतनी जातीयवादी विचारधारा, जहरीली विचारधारा अगर समाज में फैला रहे हैं तो आपकी सोच क्या है? आप जिस जगह पे काम किया है आपने, आप न्यायाधीश करके काम किया है, आपकी भाषा, आपकी सभ्यता, और ऐसे लोग सनातन पे बैन लाने की मांग कर रहे हैं। जितेंद्र आवाड़ इनके बारे में बोला जाए तो इनका उत्तर भी देना नहीं चाहिए, ऐसी इनके बारे में बताने की बात है। अगर जो सनातन पे बैन करने की बात करते हैं, हिंदू जनजागृति समिति के लिए बात करते हैं, तो मुझे पूछना है, जैसे अभी चेतन जी ने यहाँ पे बताया कि जांच एजेंसी से पहले उनको कहां से पता चला कि मराठा मोर्चा जो है या मराठा आंदोलन इसमें बम स्फोट कर रहा है, या फिर विखे पाटिल जो है इनके बारे में, जो विरोधी पक्ष नेता है कांग्रेस के, इनके बारे में हिंदू जनजागृति समिति ने, उनकी जो शुगर फैक्ट्री है यहाँ पे, इसी पत्रकार संघ में हमने एक प्रेस वार्ता लेके उजागर किया था कि उनके जो शुगर फैक्ट्री में कैसे भ्रष्टाचार हुए है। तो यह सब जो आरोप हमने किए है, तो ये जो सच्चे आरोप है, मंदिर सरकारीकरण के दृष्टि से देखा जाए, महाराष्ट्र में जितने सारे सरकार ने कब्जे में लिए हुए मंदिर है उसके भ्रष्टाचार उजागर किए गए हैं, और ये जो पहले की सरकार थे उनके कालावधि में हुए हुए, तो ये सब जब हमने उजागर किया तो उसके बारे में आप टारगेट किस तरह से किया जाए, तो उनपे पाबंदी की मांग करो, उनके कार्यकर्ताओं पे आरोप करो, ये जो बात है ये सरासर गलत है, इसका हम यहाँ पे निषेध करते हैं। पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, चाहे वो हिंदू जनजागृति समिति हो या उनसे जुड़े हुए संगठन हो, तो उनपे इस तरह से गलत आरोप करके बैन करने की मांग की जा रही है। तो यही हमारी भूमिका है कि हिंदू जनजागृति समिति का जो कार्य चल रहा है वो संवैधानिक मार्ग से चल रहा है। पिछले कई सालों से पूरे महाराष्ट्र भर में, या महाराष्ट्र से भी अलग अलग करीबन 14 राज्यों में जो हिंदू धर्म जागृति सभाएं हुई है, इसके माध्यम से हजारों लोग जुड़ रहे हैं कार्य के साथ, तो क्या संविधानिक कार्य होने के कारण जुड़ रहे हैं क्या? तो ये सब बातें आपके सामने मैं रखना चाहता था कि हिंदू जनजागृति समिति को जो बदनाम किया जा रहा है तो ये सरासर गलत है, और इसका भी यहाँ पे मैं आपकी भूमिका हिंदू जनजागृति समिति की आपके सामने मैंने यहाँ पे रखी। जे काही प्रकारचे आरोप होत आहेत त्या संदर्भात आजची पत्रकार वार्ता आहे, आणि
नाला तुपारा बॉम्ब प्रकरणामध्ये किंवा त्यानंतर आतापर्यंत मुंबई एटीएसनी आणि सीबीआयनी असे एकूण 9 जणांना अटक केली आहे. मला इथे स्पष्ट करायचं आहे की अटक झालेले हे जे 9 जण आहेत ते कोणीही सनातन संस्थेचे साधक नाही. आणि जे साधक सनातन संस्थेचे नाही आहे तर त्यावरून सनातन संस्थेवर बंदी घातली पाहिजे अशा प्रकारची मागणी करणं फार दुर्दैवी आहे असं आम्हाला वाटतं. यापैकी शरद कळसकर, सचिन अंधुरे, सुरोळे बंधू, रेगे या 5 लोकांना तर आम्ही त्यांच्या अटक झाल्यानंतर त्यांची नावं पहिल्यांदाच ऐकली अशी परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सनातन संस्थेवर हे सगळे सनातन संस्थेचे आहेत असं सांगून आमची मानहानी केली जात आहे. खोट्या खोट्या बातम्या आमच्या विरुद्ध पसरवल्या जात आहेत, अफवा पसरवल्या जात आहेत. याच्यात महाराष्ट्रातील पुरोगामी संघटना, व्यक्ती किंवा काँग्रेस सारखी राजनीतिक पार्ट्या या सगळ्या सहभागी आहेत. एक आमदार म्हणतो की यांना मराठा आंदोलनामध्ये जातीय आंदोलनामध्ये जातीयवाद पसरवायचा होता आणि बॉम्बस्फोट करायचे होते. एक आमदार म्हणतो यांना बकरीच्या दिवशी स्फोट घडवायचे होते. महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष नेते म्हणतात यांच्याकडे 500 लोकांची सेना आहे. अरे काय चाललंय तुमच्याकडे, कुठल्या सोर्सच्या या बातम्या आहेत? आणि त्याहून गंभीर असं आहे की या जातीयवादी प्रचाराची सोशल मीडियावर चर्चा केली जाते आणि जातीयवाद पसरवला जात आहे. म्हणून आमची येथे मागणी आहे की महाराष्ट्र शासनाने ज्यांनी ज्यांनी ही जातीवाचक विधानं पसरवली, संदेश पसरवले, त्यांची कसून चौकशी करावी. दुसरं असं की आज या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये काही खोट्या बातम्या प्रकाशित केल्या जात आहेत. महाराष्ट्र एटीएसने हे स्पष्ट केलेलं आहे की आम्ही कुठल्याही संस्थेचं नाव घेतलेलं नाही किंवा हा जो तपास आहे हा पूर्णतः प्राथमिक अवस्थेत आहे. असं असताना किंवा महाराष्ट्राचे जे गृहराज्यमंत्री आहेत दीपक केसरकर यांनीही कुठल्या संस्थेचं नाव घेतलेलं नाही, तरीही वेगवेगळ्या ऑफिशियल सोर्सेसची माहिती सांगून खोट्या नाट्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत आणि सनातन संस्थेची मानहानी केली जात आहे. ही मानहानी गंभीर आहे कारण सनातन संस्था अध्यात्माचं कार्य करणारी संस्था आहे. गेली 27 वर्ष आम्ही हे कार्य करत आहोत. लाखो हितचिंतक आमचे आहेत जे आमच्यावर श्रद्धा ठेवून आहेत. त्यांच्या श्रद्धेची हानी तुम्ही करू नका. त्यामुळे आपण ऑफिशियल सोर्सेसचीच बातमी द्या. अनऑफिशियल सोर्सेस कोण आहेत ते सगळ्यांना माहिती आहे. ते पुरोगामी आहेत, ते कम्युनिस्टवादी आहेत, ते राजनीतिक पार्टी आहेत ज्यांना राजकीय कोळी भागायची आहे, आपली स्वतःची शिकायची आहे असे हे लोक आहेत. त्यांना हिंदू आतंकवादाचा बागुलबुवा करून सहज सत्ताधाऱ्यांना टार्गेट करायचंय असे हे लोक आहेत. तर आपण सगळे तुज्ञ पत्रकार आहात. मला आपल्या सर्वांना आवाहन करायचंय की आपण केवळ खऱ्या बातम्या द्या. खोट्या बातम्यांना किंवा पुरोगामांच्या खोट्या बातम्यांना आपण बळी पडू नका. आपल्याला जे काय सहाय्य हवं असेल आमचे पत्रकार, आमचे प्रवक्ते आपल्याला उपलब्ध होतील. साधक सगळं अध्यात्माचा प्रचार करतात असं तुम्ही आता सांगितलं, पण तुमचं जे सनातन प्रमाण आउटरीच आहे त्याच्यामध्ये मात्र पोलीस आणि आर्मी कसं दुश्मन आहे, ख्रिश्चन आणि मुसलमान कसे बर्डल आहेत हिंदू राष्ट्राच्या निर्मितीमध्ये असं सगळं लिहिलेलं आहे, ही कुठच्या प्रकारची नक्की साधना आहे? एक लक्षात घेतलं पाहिजे की सनातन संस्था ही अध्यात्माचं कार्य करणारी आणि हिंदुत्वाचं कार्य करणारी संस्था आहे. सनातन प्रभात हे मीडिया म्हणजे पूर्णपणे पेरोडिकल आहे, ते स्वतंत्र आहे, त्यांचे इंटेलेक्च्युअल राईट्स आहेत. आज जो सगळा विषय सुरू आहे तो मुख्यतः आजच्या या प्रेस कॉन्फरन्स संदर्भात आहे. तुमचा प्रश्न जो आहे तो परवाच्या प्रेस कॉन्फरन्स साठी आम्ही राखून ठेवलेला आहे. पण मला हे सांगायचं आहे की ज्या प्रकारे आज जो सनातन 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 या प्रकारचा एक दुष्प्रचार सुरू आहे, सनातन संस्थेच्या साधकांना अटक अशा प्रकारचा जो दुष्प्रचार सुरू आहे,
त्याविषयी स्पष्टीकरण देणं या दृष्टिकोनातून आजची प्रेस वार्ता आहे. आणि या संदर्भात मला वाटतं की अधिकाधिक प्रश्न तुमच्या मनात असतील ते आपण देखिए एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, आपका प्रश्न ध्यान में आ गया. ये है, मुझे बताओ पाकिस्तान सशस्त्र है उसके बावजूद वो भारत से 4 बार युद्ध हार चुका है. तो मुझे बताओ, आप ही बताओ विचार करके, कि यदि कोई 4 पिस्तौल लेके भारतीय सेना से लड़ने के लिए जाए तो वो जीत सकता है? लेकिन आपने लिखा है, देखिए जिस न्यूज़पेपर में वो छपा है काही संबंध नाहीये. तो मला एक सांगा, सनातन संस्था, सनातन पेपर, हिंदू जनता समिती हे एकच आहे का? एकाच आहे का? अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन आहेत का? सगळ्यात पहिले समजून घेतलं पाहिजे की सनातन संस्था ही अध्यात्माचं कार्य करणारी संस्था आहे. सनातन प्रभात इंटेलेक्च्युअल राईट त्याचे आहे, ते स्वतःच आपलं दैन सांगितलं. प्रत्येकाला आपला अधिकार आहे लिहिण्याचा, आणि त्याच्याविषयी जर त्यांनी काही चुकीचं लिहिलं असेल तर होम मिनिस्ट्री आहे भारतामध्ये. चेतन राजनजी हिंदू जनजागृती समिती नाही, स्वतंत्र संस्था आहे. हिंदू जनजागृती स्वतंत्र संस्था आहे, सनातन प्रभात पेरियॉडिकल स्वतंत्र संस्था आहे. मैं देखिए मैंने इस विषय में जानकारी ली. सबसे पहले तो समझ लीजिए, इस विषय में हम लोग परसों तो चर्चा करने ही वाले स्वतंत्र रूप में, फिर भी आपको ये जानकारी देता हूँ. इसमें केवल चारुदत्त पिंगले जी का फोटो छप गया है, उन्होंने लेख लिखा है कि कहीं नहीं है. सबसे पहले तो स्पष्ट कर लेना, ये जो हिंदू सम्मेलन था तो इसमें ये समझना चाहिए कि जो फोटो छपा है वो उनका छपा है, वो गलती से छपा था. इसके विषय में चारुदत्त पिंगले जी ने जो है वो अपना पत्र और नोटिस भेजा था सनातन प्रभात को, इस विषय में मैंने कोई आर्टिकल ऐसा लिखा नहीं है 2013 के ही इसमें. अब उस कालीन जो संपादक थे उसने उस विषय में क्षमा भी मांगी थी कि इस प्रकार का कोई लेख हमने छापा नहीं है, आपके द्वारा गलती से आपका फोटो वहां छप गया है, आपका नाम नहीं है उसमें, लेकिन आपकी यहाँ मानहानि हुई है, हम समझ सकते हैं और हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी है. तो वही उसका स्पष्टीकरण वहां दिया गया है डॉक्टर पिंगले जी को सनातन प्रभात के द्वारा. सबसे पहले तो समझ लीजिए, अब ये जो लेख लिखा है तो उसके लिए जो वहाँ के तब के संपादक थे तो उनके विषय में उनको ही पूछना चाहिए, क्योंकि आज वो उनका दुर्भाग्यवश 20 अप्रैल को उनका निधन हुआ है. तो इस विषय में जानकारी यदि प्राप्त भी करनी है तो उनको ही पूछा जा सकता है. आज मर्यादा ये है कि उनको इस विषय में यदि पूछना भी चाहे तो हम पूछ नहीं सकते. मैंने तो इतना ही बताया आपको कि हम लोग संवैधानिक मार्ग से कार्य करने वाले लोग हैं, संवैधानिक मार्ग से हमने काम किया है. और मैंने बताया पाकिस्तान का उदाहरण, पाकिस्तान हार सकता है. एक प्रश्न ही लेंगे, मीडिया के बता दें. और अगर आप संवैधानिक रूप से अगर बात करते हैं कि संविधान को आप मानते हैं तो रामनाथ जी आश्रम में हर एक को प्रवेश दीजिए. एक दो प्रश्न का उत्तर दूंगा. सबसे पहले प्रश्न जो है, डॉक्टर आठवले जी का वयोमान बहुत अधिक है और इसीलिए जो है उन्होंने अपने जीवन का कार्य जो है निश्चित कर लिया है. वो आज सनातन संस्था के कोई ट्रस्टी नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है. जो कुछ वो अपने विचार प्रकट लिखते हैं वो अपने ग्रंथों के माध्यम से लिख रहे हैं, और उन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य निश्चित कर लिया है कि अध्यात्म के संदर्भ में बहुत सारे ग्रंथों का प्रकाशन करना. आज तक उन्होंने 310 ग्रंथ लिखे हैं जो 16 भाषाओं में प्रकाशित हुए हैं. देखिए वही मैं बता रहा हूँ, उसके बाद भी उनका 8000 ग्रंथ लिखने का प्रयास है. वार्धक्य की अवस्था में वो साधकों से नहीं मिलते तो मीडिया से क्यों मिलेंगे? ये तो
और प्रवक्ता जिनकी विचारधारा से हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो हमारे प्रवक्ता तो हम है ही ना, आपके उत्तर प्रश्नों के उत्तर जो दे रहे हैं तो आपके सामने है हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं अगर वैभव रात की बात की जाए तो वो ना सिर्फ पार्टिसिपेट करते देखे जाते आपके इवेंट में बल्कि आपकी तरफ से मीडिया को एड्रेस करते थे आगे वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स भी आप चेक कर सकते हैं और ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीजें तो क्या बेस पे आप और सारे के सारे आप लोगों से लिंक है ऐसा कैसे हो सकता है कि 9 लोग हैं जो कि आपसे लिंक है और सारा षड्यंत्र आपके खिलाफ है चेतन देखिए मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें ऐड कर रहा हूँ कि 2011 में जो सरकार ने अपनी रिपोर्ट भेजी थी सेंटर की उसका साफ तौर से लिखा है कि सनातन संस्था इज टेरर ऑर्गेनाइजेशन क्या आप ये कहते हैं कि बिना किसी एविडेंस के सरकार ने ऐसी कह दिया कि आप लोग एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन 2011 का डॉलियर के विषय में आप चर्चा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसको जाहिर कीजिए हमने भी 2011 को उसको उत्तर हमें भी मांगा गया था हमने भी दिया है उसको भी जाहिर किया जाए यदि इस विषय में कोई गुप्तता नहीं चाहिए तो ये सीधा पत्रकारों के लिए खुला किया जाए डॉलियर जो भी है हमने भी उसके उत्तर दिए वो भी क्यों नहीं है सरकार के द्वारा क्यों नहीं किया जाए हर एक प्रश्न एक एक पूछेगा आपका प्रश्न जी जो मैंने स्पष्ट किया है सनातन संस्था जो है मूलतः मैंने बताया सनातन संस्था के साधक किसको कहना चाहिए जो सनातन संस्था के सत्संग में आके सनातन संस्था के मार्गदर्शन के अनुसार साधना करता है या आश्रम में रहता है या संस्था का कार्य संभालता है वो साधक है और जो संस्था जिस उपक्रम हिंदुत्व का